तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई एक्टिविटी जिसके अंदर बाइटिंग और अबाइटिंग फैक्टर का इफेक्ट, कि कोई जीव जी रहा है तो उसके ऊपर बाइटिंग फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ेगा और अबाइटिंग के लिए हम बीमार हो जाए, हमारे बॉडी को ठंड लगे और हम बीमार हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वहां लंबे समय तक रहें तो दो चार दिन के अंदर, पांच सात दिन के अंदर हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी और अडेप्टेशन से क्या हो जाएगा, अगर हमारी बॉडी अडेप्ट करती है तो उससे क्या हो जाएगा, अडेप्ट मीन हमारी बॉडी उस मौसम की हमारी बॉडी ताकि हम उसके साथ क्या कर सकें कि जी सकें उस चीज को हम सहन कर सकें। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, हम मान लो हम लंदन चले जाते हैं, हम इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर गर्म गर्मी होती है, मौसमों के कारण गर्म रहता ही है, हमारी जलवायु गर्म है। अगर हम लंदन के अंदर जाते हैं तो वहां जाने के बाद क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा ठंड है और उस ठंड के कारण क्या होगा, वहां पर जो जीव है उसको दिक्कत आएगी है। लेकिन अगर वो लंबे समय तक वहां रहता है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंज आएंगे, तो उस चेंज के कारण वो क्या हो जाएगा, उसको होता है अडैप्टेशन, ताकि वो ठंड को सहन करना सीख जाए। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अडैप्टेशन। अडैप्टेशन है क्या, कि इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं, इन्वायरमेंट को सहन करने के गुण को अपनाना, इन्वायरमेंट के गुण को सहन कर सकना। इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल चाहे स्ट्रक्चर में आए या बॉडी के फंक्शन में आए, कुछ भी चेंज आए, बट वो उस चीज को जीने के लायक बनाने में चेंज होता है। लेकिन अडैप्टेशन क्या होता है, सब चेंजेस अंतर एक शॉर्ट पीरियड होता है, कुछ चेंज तो बहुत थोड़े समय के अंदर होते हैं, सब चेंजेस अंतर एक लार्ज पीरियड होता है, लेकिन कुछ चेंजेस बहुत लंबे समय के लिए। जब तक ये चेंज नहीं आते तब तक उस व्यक्ति को जीने में दिक्कत आती है। अगर मान लो हम लंदन चले जाते हैं, हमें ठंड लगेगी, उस समय के लिए हमें क्या दिक्कत आएगी, तो उन दिक्कत को दूर करने के लिए जितनी चीज आती है, ये नेचर अपने आप हमारी बॉडी के अंदर अडैप्ट हो जाती है। अगर हम ये चेंज नहीं ला पाते तो हमारी डेथ भी हो सकती है या हमें जीने में दिक्कत आएगी। आगे क्या है कि अडैप्टेशन के आने से हमें क्या
क्या लाभ होता है, क्या हानियां होती हैं। अगर अडेप्टेशन आ जाए तो हमें उस एनवायरमेंट में जीने की लाइफ अडेप्टेशन है इन कोरिलेशन, कोरिलेशन होता संबंध स्थापित करने में विद एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं यानी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ठान लेते हैं। अगर हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ठानेंगे तो ये हमें जीने में भी सहायता करेगा और हमें लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। एक लंबे समय तक क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे और एक अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एडेप्टेशन क्या हो गया, एनवायरमेंट के साथ रिलेशन हो जाता है, हमें अच्छे तरीके से जी पाते हैं, एनवायरमेंट के अनुसार जी सकते हैं। इफ मेक इजियर टू सर्वाइव, जीने के साथ क्यों होंगे सर्वाइव करते हैं, जीने के ऊपर जीवन का इजी हो गया है, हम आसानी से जी सकते हैं। अगर आप आसानी से जीने तो हमारी पॉसिबिलिटी संभावनाएं बढ़ जाती है, हम सर्वाइव हमारी सर्वाइवल की क्या बढ़ जाएगी, संभावनाएं बढ़ जाती है, हम जी सकते हैं। वरना या हमें दिक्कत आएगी, हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। हम बॉडी के अंदर छोटे छोटे चेंजेस लेकर आते हैं, हम बॉडी के अंदर क्या लेकर आते हैं, छोटे छोटे चेंजेस, वो चेंजेस क्या करते हैं, हमें अगर जो बड़े लेवल पर ये चीज की जाए तो एडेप्टेशन होता जाएगा, लेकिन जो चीज तुम्हारी बॉडी के अंदर छोटे लेवल पर बदलता है एडेप्टेशन। अब हम सम टेंशन के ये जमीन के ऊपर ही होता है, वहां पर बहुत सारा रेत होता है। सेकंड है माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब पहाड़, पहाड़ी का, वहां पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, वहां पर अलग कंडीशन चाहिए जीने के लिए। डेजर्ट जैसे गर्म होती है तो माउंटेन्स ठंडी होती है। जंगल कह सकते हैं, जहां पर ग्रास बहुत ही सुखा से